हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बेस्ट लॉन्ग टर्म शेयर फ्रॉम पावर एंड रेलवे सेक्टर। जी हाँ, हम लोग, हम में से सभी लोग ट्रेडर नहीं होते हैं, काफ़ी लोग इन्वेस्टर होते हैं। तो ऐसे लोग देखते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा शेयर अच्छा है, और लॉन्ग टर्म का शेयर देखते वक्त हमें देखना पड़ता है कि इसके पास ऑर्डर बुक स्ट्रांग है कि नहीं। लॉन्ग टर्म में वही शेयर चलता है जिसके पास ऑर्डर बुक स्ट्रांग होता है, और ऑर्डर बुक स्ट्रांग होने के बाद ही शेयर लगातार ऊपर जाता है क्योंकि क्वार्टर्स रिजल्ट कंसिस्टेंसली अच्छे आते हैं। ऐसा ही एक शेयर जो कि पावर सेक्टर और रेलवे सेक्टर दोनों में काम करता है। ये कंपनी करती क्या है, ये रेलवे के लिए इक्विपमेंट्स बनाती है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स। उसके अलावा पावर सेक्टर के लिए पावर सेमीकंडक्टर, पावर एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ये सब कंपनी ये इक्विपमेंट्स बनाती है। और पावर और रेलवे सेक्टर में लगातार डिमांड बनी हुई है, काफ़ी बड़ा पोटेंशियल है। कंपनी के पास ऑर्डर बुक करीब करीब 600 करोड़ की पेंडिंग है, 600 करोड़ की ऑर्डर कंपनी के पास है, जबकि इसका मार्च 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में पूरे साल का टर्नओवर था 360 करोड़ का, 360 करोड़ का इसका पूरे साल का टर्नओवर था, और अभी कंपनी का ऑर्डर बुक 600 करोड़ का है। तो आप सोच सकते हैं कि कंपनी के आने वाले क्वार्टर्स भी अच्छे ही आएंगे। कंपनी को कुछ ही दिन पहले इंडियन रेलवेज के ओर से 200 करोड़ की ऑर्डर मिली थी, तो वो भी काफ़ी बड़ी ऑर्डर मिली थी। तो कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते रहती है, इसी के कारण ये शेयर फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है। अभी अच्छे लेवल पर मिल रहा है, आप स्टडी करके बाइंग के बारे में सोच सकते हो। इस कंपनी का थर्सडे को रेट था 684 रुपीज़ एंड 52 वीक हाई था 824 रुपीज़। पीई है 50 का एंड ईपीएस है 3 का। डेट टू इक्विटी रेशो है 0.90, तो सभी ठीक ठाक है। प्रमोटर होल्डिंग भी 44% है, एफआईआई का होल्डिंग 6% है, और डीआईआई का होल्डिंग है 0.01%। कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर 22 में प्रॉफिट था 2,42,00,000 रुपीज़, सितंबर 23 में था 4 करोड़ प्रॉफिट, और दिसंबर 23 में था 1,55,00,000 प्रॉफिट, 2,40,00,000, 4 करोड़ एंड 1,55,00,000। ये जो बड़े इक्विपमेंट्स और ये जो सप्लाई करने का कंपनियां काम करती है, कभी कभी इनके क्वार्टर रिजल्ट ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट ऑर्डर बुक स्ट्रांग होने के कारण आने वाले क्वार्टर्स इसमें अच्छे हो सकते हैं। कंपनी का नाम है हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड, HIND हिंद रेक्टिफायर्स, RECTIFER, हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड कंपनी का नाम है, जो कि पावर और रेलवे दोनों सेक्टर में काम करती है। तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो आप इस कंपनी को बाइंग के बारे में सोच सकते हो। और कंपनी 824 रुपीज़ का ही हाई लगाया था कुछ दिनों पहले, वहाँ से करेक्ट होकर अभी रिवर्सल दे रहा है यह शेयर। तो अभी अगर आपको बाय करना होगा शॉर्ट टर्म के लिए भी, तो अच्छा लेवल है 684 का, तो स्टडी करके इस शेयर में आप पैसा लगा सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।